हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर और आपको बता दें कि आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मुंब्रा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। साथ में कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और विरोधी पक्ष नेता अशफ तानू पठान और ऐसे एनसीपी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाने का जो काम है, ये काफ़ी दिनों से रुका हुआ है और इसी के संबंध में आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मुंब्रा रेलवे स्टेशन का दौरा किया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक्सीलेटर लगाने का जो है बात सामने आ रही थी, लेकिन ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है कि कोर्ट में है जो सलीम कुरैशी नाम के शख्स है, जिनकी यहाँ पर शरबत की दुकान थी, उन्होंने इस पर स्टे लगाया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर एक्सीलेटर नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा और लिफ्ट लगाने का काम जो है उस साइड पे प्लेटफॉर्म पर शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा एक्सीलेटर भी लगाने का काम जो है अब वो शुरू होने वाला है। आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने यहाँ पर दौरा किया, पत्रकारों से बातचीत की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें मुंब्रा में एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाने की रेलवे स्टेशनों पर मांग काफ़ी दिनों से हो रही है, जिसके लिए जो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरफ से जो है इस पर लेटर दे रही थी कि मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर और लिफ्ट लगाई जाए, क्योंकि यहां से जो यात्री सीढ़ियों पर चढ़ते, जब काफ़ी बुजुर्ग हैं या फिर हैंडीकैप हैं, उन्हें अगर सीढ़ियों पर चढ़ना होता है तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज यहाँ पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड मुंब्रा रेलवे स्टेशन पहुँचे थे और यहाँ के जो स्टेशन के इंचार्ज हैं उनसे मुलाकात की, बातचीत की और इस दौरान मीडिया कर्मियों से क्या कुछ बातचीत में कहा है। और सर शमीम भाई और शानू प्रसाद ने लेटर दिया था, एक्सीलेटर और लिफ्ट की मांग की गई थी, आज आपने मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर विजिट किया, कैसा काम कब शुरू होगा? ये काम शुरू हो गया है और स्टेशन इंचार्ज जो है उन्होंने ये बताया कि ये जो लिफ्ट का काम है वो दो वाले महीने में पूरा हो जाएगा, जो इधर लिफ्ट है, और एस्केलेटर का सामान आके पड़ा है, लेकिन वो सलीम भाई कोई तो भी है, उन्होंने स्टे ऑर्डर लेके रखा है, तो इसलिए काम आगे नहीं बढ़ रहा है। मैंने यहाँ पर भी एस्केलेटर की मांग की है यहाँ, तो मैंने इनसे कहा है, अभी मैंने जीएम से भी बात हुई है, तो जीएम इनसे बात करके इसका पर्याय क्या है वो निकाल। सर एक्सीलेटर कितने टोटल हैं मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर? अभी एक है जो उधर से उतरने वाला है, लोग उधर से भी उतरते हैं और इधर से भी उतरते हैं और चढ़ते हैं, तो दोनों तरफ होनी चाहिए ऐसी मांग है। तो जनरल मैनेजर बोले कि हम जैसे ये पास करवा के लिए अपन लोगों ने, वैसा वो भी पास होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। काफ़ी वक्त से सर वो पड़ा हुआ है, तो फिर कहीं आगे ये बात ना आ जाए कि खराब हो गया, बाद में आएगा वक्त, लगेगा, कहीं ऐसा ना हो। भाई साहब अगर आपको आधी मालूम आते तो सवाल मत पूछिए, उसके ऊपर है स्टे ऑर्डर, अब स्टे ऑर्डर के बीच में तो काम नहीं कर सकता ना। आप सलीम कुरैशी के घर पे जाइए और उसको मना लीजिए, तो काम कल हो जाएगा। सर इसके अलावा लिफ्ट कितनी है? लिफ्ट कितनी है? लिफ्ट दो लिफ्ट है, मुझे बजट में दो लिफ्ट है ना, वो भी एक इधर है और एक दो नंबर और तीन नंबर के बीच में। और पूछना है मी खासदारांनी केलं नाही असं म्हटलंय का? मी काय राजकारण करतोय का? त्यांचं बोलणं आहे सर। त्यांचं बोलणं नाही, तुम्ही बोलताय ना, तुम्ही त्यांचं म्हणजे मी सांगितलं का माझ्या वतीने तुम्ही बोला? आले होते दौऱ्यावरती, आले होते माझ्या वतीने तुम्ही बोला असं सांगितलंय का तुम्हाला? बाबा सर मी काय त्यांनी केलेलं, आपण काय बोलणार? मी तुम्हाला काय उत्तर देऊ? मी त्यांना सांगेन ना काय सांगायचं ते?
ह्याचं हे खासदाराचं क्रेडिट खाऊच शकत नाही कुणी, हे खासदाराचंच काम आहे, त्याच्यात मोठं काय आहे? मात्र ते असे म्हणत आहेत, त्याला उत्तर मी नाही देत.